अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद कॉनैन। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुड इवनिंग यानी इवनिंग की तरफ हम लोग, शाम का वक्त था और इवनिंग से अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि दिन का जो रूटीन मैंने आपको बताया था कि कैसा टफ़ रहता है, तो अब शाम का कैसा रहता है तो ये देख लीजिए। मैं इस टाइम शायद 5 बज रहे थे और 5:15 हो रहे हैं, हमें 5:15 बजे मैं वॉक करने जाती हूँ। सोसाइटी के अंदर ही जो है वो पार्क बना हुआ है, वहीं पे मैं वॉक करने जाती हूँ। उसके बाद जो है हम लोग घर आ गई थी, तो घर आने के बाद मुझे कुछ पार्सल्स थे वो मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी, जो पीआर कोलैबोरेशन वगैरह के पैकेजेस आए हुए होते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो उनके जो है रिव्यूज़ वगैरह भी देने थे, तो ये इस वक्त मैं आपको जो रिव्यू दे रही हूँ वो एस्ट्रोर ब्रांड के बैग का है। इन्होंने एस्ट्रोर जो है ये ब्रांड है, और इन्होंने जो है मुझे मोबाइल पाउच जो होता है वो मुझे भेजा है, तो बहुत शुक्रिया आपका। और इसका बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर है, और स्टफ़ और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे प्राइजेस भी हैं इनके, रीज़नेबल प्राइजेस में आपको मिल जाएगा। तो रिव्यू मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अक्सर शाम में ये होता है कि मेरे पास 2-3 या 4-5 पार्सल्स को मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो ये क्वालिटी देख लीजिए, आपके सामने ही मैं दिखा रही हूँ, तो देख लीजिएगा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी आप स्टोर लिखेंगी ASTORE एस्टोर, तो आपको इनका ब्रांड और इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लिएगा। इनकी बैग पैकिंग वगैरह में था तो बहुत आउट क्लास था। उसके बाद ये दूसरा मुझे लेपर्ड वालों की तरफ से जो है, लेपर्ड वालों के थ्रू जो है पार्सल मिला है। ये जो है मुझे मिला था बेबो कलेक्शन, जो कि फेसबुक पे भी हैं और जो है इंस्टाग्राम पे भी हैं। बेबो कलेक्शन 555 से इनका जो है अकाउंट है। अगर आप मुझे इसके लिंक्स मांगेंगे तो मैं जो है आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो वैसे मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, आप बेबो कलेक्शन के जाके देख लीजिएगा। तो इनकी भी स्टफ़ और क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने भी मुझे जो है एज अ मोबाइल पाउच भेजा है। इसमें 2 जिपर्स थी और अच्छी क्वालिटी थी। उसके बाद ये तकरीबन 7-8, 7:30 हो रहे होंगे, अजान हो गई थी फिर नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, और ये अनबॉक्सिंग वगैरह काम करने के बाद जो है खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो फिर वो फटाफट वाली जो चीज़ होती है ना, कि बस यही समझ में आ रहा था कि फटाफट वाला काम कर लेते हैं, तो ये हो रहा था। और अक्सर मतलब यानी कि आज ये था कि मैं और यही थे जिनको घर में खाना खाना था, बाकी तो सबका जो है ना कुछ प्रोग्राम था। जो देवर हैं उनके दोस्त के कुछ जो है वो था, दस्तखान था, एक और जो है वो गया हुआ था अपने फ्रेंड की साथ जो है खाना खाने बाहर, तो मेरे तीनों देवर जो है ना गए हुए थे, तो घर में किसी को खाना ही नहीं था, तो सिर्फ मैं और यही थे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाए, तो फिर एक ही चीज़ समझ में आती है कि या तो जो है आलू की कतलियाँ बन जाए, या खिचड़ी बन जाए, या तहरी टाइप बन जाए। तो मैंने कहा कि अब दो लोगों के लिए चावल क्या बनाऊँ, तो इसलिए अब मैं जो है ना फटाफट से आलू की कतलियाँ जो है वो बना रही हूँ। तो इवनिंग का रूटीन यही होता है कि 5 बजे के बाद से जो है मेरा काम स्टार्ट होता है। 5 बजे मैं वॉक पे जाती हूँ, और तकरीबन 1.25 घंटा मुझे वॉक पे हो जाता है, और फिर उसके साथ ही मैं जो है ना कुछ सामान लेती भी आती हूँ। अगर कुछ पकने के लिए होता है तो रास्ते में सब्ज़ी वाले या कोई चीज़ मिलते हैं तो मैं साथ के साथ लेती भी आ जाती हूँ। तो कोई या कोई चीज़ चाहिए होती है किसी को भी, तो फिर मैं वो सब चीज़ें लेती भी आती हूँ। तो बस फिर उसके बाद अनबॉक्सिंग वाला काम हो जाता है। तो इनके पेज और वेबसाइट्स वगैरह मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर विज़िट करिएगा, और इनके प्राइजेस वगैरह भी देख लीजिएगा। इनकी वेबसाइट को विज़िट करें, और जो अच्छी हो उसका जो है आप लोग ज़रूर ऑर्डर दीजिएगा। तो रिव्यू मेरी तरफ से 100% है, क्वालिटी बेस्ट है स्टोर की, बहुत ज़्यादा अच्छी थी बनिस्बत बेबो कलेक्शन के। बेबो कलेक्शन की क्वालिटी इसलिए उसके हिसाब से अच्छी है क्योंकि इसकी जो है प्राइसेस बहुत चीप है। इन बैग्स को जो है ना, ये जो मोबाइल पाउच की जो मुझे तो पीआर पैकेज में मिला है, लेकिन वैसे इस बैग की जो सेकंड वाला मैंने आपको दिखाया है बेबो कलेक्शन का,
वो जो है ये कहते हैं मुझे मिला था, यानी आप लोगों को मिलेगा 600 रुपये का, और जो एस्टोर वाला है वो आपको 990 का मिलेगा। तो यानी ये कि प्राइसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर वाला जो है वीवो कलेक्शन वालों की तरफ से जो बैग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो विज़िट करिएगा। बस आज का ये छोटा मोटा सा ही व्लॉग था, बस इसमें जो है कुछ ख़ास मैंने किया ही नहीं है। इसके बाद जो है खाना वाने के होने के बाद फटाफट से फिर बर्तन बर्तन धुल जाते हैं और रात का काम ख़त्म हो जाता है। फिर ये कि आप अपनी स्किन केयर वगैरह मैं कर लेती हूँ, फेस पे जो है ना क्या कहते हैं लोशन या सीरम वीरम लगाना या बालों में चुटिया वटिया बांध लेना, वो रात का काम होता है कि वो कर करा के और फिर जो है सोने की तैयारी होती है। और बस लास्ट में ये होता है कि दूध वगैरह गर्म करना होता है क्योंकि ये लोग दूध पीते हैं, हस्बैंड हैं देवर, ये लोग सब जो है एक एक कप दूध पी लेते हैं, तो वो गर्म करना होगा। बाकी किचन का काम भी ख़त्म हो जाता है शाम। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पूरा व्लॉग देखा करें, कोई स्किप नहीं किया करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो।